नमस्कार मैं स्वामी अध्यात्मानंद शिवानंद आश्रम अहमदाबाद गुजरात से आइए प्रार्थना करें ओ एडोरेबल लॉर्ड ऑफ मसी एंड लव सेल्यूटेशंस एंड प्रोस्टेशंस एंड टू दी दाउ आर्ट ओमनी पोटेंट ओमनी दाउ आर्ट द इनवेलर ऑफ ऑल बीइंग्स ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग हार्ट इक्वल reason, balanced mind, Faith, devotion, and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptation and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger, and jealousy. Fill our hearts with divine virtues. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let us ever remember thee. Let us ever sing thy glories. लेट Thy नेम बी एवर ऑन our लिप्स लेट Thy नेम बी एवर ऑन our लिप्स ये हमारे गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज की प्रार्थना है क्या है यही कहा उन्होंने कि हम दुर्गुण हैं उनसे परे और सद्गुणों का उपार्जन करें सद्गुणों का उपार्जन क्या है हमारा सबसे पहला सद्गुण क्या होना चाहिए भगवत गीता ने अपना एक अध्याय पूरा है ये दैवी आसुर गुणों का बात तो दैवी गुण में क्या सबसे पहले कहा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ अभयम निर्भय उनके रहो हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कोई एक गांव था गांव के बाहर कोई एक संत रहते थे लोग आने वाले जाने वाले सब उनको प्रणाम करके जाते थे संत कुटिया में रहते थे किसी से कुछ लेना देना नहीं प्रभु के साथ रहना किंतु हमेशा सबका हो कल्याण सब रहे सुखी कोई ना हो दुखी सबका हो मंगल यही बात उनके जीवन में थी सर्वे शाम स्वस्ति भवतु देखा उन्होंने एक दिन मृत्यु के देवता जा रहे हैं उन्होंने कहा रुको 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 कहाँ जा रहे हो मृत्यु के देवता ने कहा तुम्हारे यहां बहुत बड़ी महामारी आने वाली है अरे उसका कोई उपाय नहीं अभी तो कोई उपाय नहीं कितने लोग मरेंगे एक हजार तो मरने वाले नहीं इतना नहीं मरना चाहिए अब क्या करें वो लोग ये नियम का पालन नहीं करते हैं उनको जो कहा गया है कि भाई एक दूसरे से दूर रहो मानते नहीं तो छूट लगती है तो फिर मरते हैं हे प्रभु इनकी रक्षा कर किंतु देखा कि कुछ दिन के बाद में मृत्यु का देवता वापस जा रहा था अरे हमने सुना कि इंसान लोग गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं, असत्य बोलते तुम देवता लोग भी तुमने कहा था कि एक हजार लोग मरेंगे हमारे यहां तो तीन हजार मर गए मैंने नहीं मारा ना मैंने तो एक हजार को ही मारा है फिर बाकी वो बाकी लोग अपने भाई में मर गए देखिए ये बात बहुत जरूरी है भाई मत करो ये अगर आपकी सोच कमजोर होगी पंजाबी में बोलते माड़ा मोटा ना सोची ये मिथ्या नहीं ये घटिया सोच मत रखो आप कौन है अमृत से पुत्रा आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनम ब्रह्म एक अद्वित ब्रह्म ये आपका स्वभाव है आप ये नास्वान शरीर नहीं है आप नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्य ते हन्य शरीर आनंदोहम ये आपका जीवन है प्रतिपल सोचो मैं ये नासवान शरीर नहीं हूँ मैं कौन हूँ देखिए ये मेरा अंगूठा है तो मैं क्या बोलता हूँ मेरा अंगूठा है ये मेरा हाथ है मेरा हाथ है ये मेरी ऐनक है मेरी ऐनक है तो ये मेरी ऐनक है मैं ऐनक नहीं हूँ मेरा अंगूठा है मैं अंगूठा नहीं हूँ मेरा हाथ है मैं हाथ नहीं हूँ मेरा शरीर मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर से परे कौन हूँ ज्योतिषाम ज्योति मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ ज्ञान का ज्ञान हूँ प्रकाश का प्रकाश हूँ नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अशो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्य तेह्य शरीर ऐसी ऊँची बात सोचना कभी भी भय में नहीं रहना चिंता में नहीं रहना प्रसन्न रहना और आपके जीवन की प्रफुल्लता से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देना क्योंकि अगर किसी का मुंह दुखी है उसको देख करके के दूसरे लोग भी दुखी होते हैं किंतु तो आपका चेहरा प्रसन्न रहेगा आपको देख करके के दूसरे लोग भी प्रसन्न रहेंगे परमात्मा आपका मंगल करो शुभ करो कल्याण करो राष्ट्र को मजबूत करो यही एक आकांक्षा वंदे मातरम शुभम भवतु कल्याणम भवतु ओम शांति